जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं बैंक अल्फला के सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। बैंक अल्फला का जो सेविंग्स अकाउंट है, जिसे हम बेसिकली मुनाफा अकाउंट भी कह सकते हैं, आप इसे जो है वो सेविंग्स अकाउंट के अंदर ही कैटेगरी आती है, तो इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं कि इसमें आपको बेसिकली क्या फीचर्स दिए जा रहे हैं, आपको प्रॉफिट पे आउट क्या है, क्या हिसाब किताब है, वो उसके ऊपर हम आज डिटेल से बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस लिंक पे आ जाइएगा, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपके सामने इसके हम जरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि एंजॉय योर बेसिक बैंकिंग नीड्स विद कंप्लीट ईज वाइल यू डू वो यू ऑल्सो स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट्स ऑन योर सेविंग्स फॉर अ मोर प्रोटेक्टेड टुमारो। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वो बैंक अल्फला के इस सेविंग्स अकाउंट के थ्रू जो है, एक तो आप अपने जो सेविंग्स हैं उसके ऊपर आप मंथली प्रॉफिट भी उठा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो आप जो है वो अपनी बैंकिंग की नीड्स भी वो भी पूरा कर रहे हैं। दिस अकाउंट इज टेलर्ड फॉर इंडिविजुअल सेवर्स एंड बिजनेसेस हु सीक रिटर्न्स ऑन देयर डिपॉजिट्स एज वेल एज कंटिन्यूअस एक्सेस टू देयर फंड्स। ये अकाउंट जो है वो उन लोगों के लिए है, या जो के सैलरीड वाले या इंडिविजुअल लोग लोग हैं, या वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, या वो अपने बिजनेस के खुद ओनर हैं, प्रोपराइटर हैं, किसी का कोई बिजनेस है, या तो ये उन लोगों के लिए है, या उन लोगों के लिए भी है जो अपने बड़े बड़े बिजनेसेस रन कर रहे हैं या जिनकी कॉरपोरेशन हैं, वो ऐसे लोगों के लिए है जो लोग अपने जो है ना डिपॉजिट्स के ऊपर जो है वो अपना प्रॉफिट उठाना चाह रहे हैं, प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी बैंकिंग की जो ट्रांजेक्शन वगैरह हैं वो भी करना चाह रहे हैं। अब इसके हम फीचर्स की बेनिफिट्स की बात करें तो ओपन विद एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ RS 100 ओनली, यानी कि ये अकाउंट जो है वो सिर्फ 100 रुपए में ओपन हो सकता है। बैंक अल्फला का जो सेविंग्स अकाउंट है वो सिर्फ 100 रुपए में ओपन हो सकता है। उसके बाद नो मंथली मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए मिनिमम बैलेंस रखने की कोई शर्त नहीं है, आप चाहे जीरो बैलेंस भी रखें, आपको डेफिनेटली जब जीरो बैलेंस होगा तो आपका प्रॉफिट जो है वो बनेगा ही नहीं। डेफिनेटली अगर आप एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं और अगर आप बैलेंस जीरो रखेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट किस चीज़ पे मिलेगा, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद वो यहाँ पे अगली चीज़ ये बता रहे हैं कि प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज बैलेंस। आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो मंथ के जो है ना मंथ के नहीं, यहाँ पे सेमी एनुअली, यानी कि हर 6 माह बाद जो है वो आपका एवरेज बैलेंस आपके अकाउंट के ऊपर जो आपने मेंटेन किया होता है उसके ऊपर जो है वो आपका बैलेंस जो है ना कैलकुलेट होता है और आपको पे किया जाता है। और यहाँ पे अगली बात वो कर रहे हैं कि प्रॉफिट इज पेड सेमी एनुअली, यानी कि प्रॉफिट जो आपको पे किया जाता है वो हर 6 महीने बाद जो है ना किया जाता है, यानी कि साल में 2 दफा। उसके बाद नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मंथली डिपॉजिट और विड्रॉल ट्रांजेक्शन। आपको एक तो यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर जो है वो ये भी आपको लिमिट दे, यानी कि ये भी आपको जो है वो एक तरह की कहना एक परमिशन दे दी गई, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आप इस पे इस अकाउंट के थ्रू चाहे आपने डिपॉजिट करना है चाहे विड्रॉल करना है, और इसकी भी कोई जो है ना कोई नंबरिंग नहीं है, यानी कि कोई कोई ना फिक्स अमाउंट नहीं की हुई कि आप इतनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो एक महीने में, आपका जितना जितना दिल चाहे आप उतनी जो है वो ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो, डिपॉजिट विड्रॉल भी कर सकते हो। उसके बाद इजी एक्सेस टू फंड्स थ्रू चेकबुक एंड वीजा डेबिट एटीएम कार्ड दैट कैन बी यूजुअली ग्लोबली एट ओवर 30 मिलियन आउटलेट्स एंड एट मोर देन 2 मिलियन एटीएम। वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपका जो फंड्स हैं जितने भी, या तो आप उनको जो है वो उनके उन तक जो रसाई हासिल कर सकते हो या तो चेकबुक के थ्रू कर सकते हो, या जो अल्फला बैंक का वीजा डेबिट एटीएम कार्ड है उसके थ्रू भी कर सकते हो, जो जिसकी 30 मिलियन से ज्यादा जो है वो आउटलेट्स के ऊपर चलता है, और 2 मिलियन से ज्यादा यानी कि 20 लाख से ज्यादा जो है वो पाकिस्तान के अंदर एटीएम कार्ड एटीएम मशीन्स हैं। उसके बाद कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग अक्रॉस ऑल बैंक अल्फला ब्रांचेस नेशन वाइड। आपके पास जो है वो पूरे कंट्री के अंदर, यानी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बैंक अल्फला की जो है ब्रांचेस की एक्सेसिबिलिटी होगी, आप उनके थ्रू जो है ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ें हैं वो पढ़ लें कि ऑल टैक्सेस एंड ज़कात आर एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन। जितने भी ज़कात और टैक्सेस होंगे वो आपके इस अकाउंट के ऊपर सेविंग अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद सर्विस चार्जेस अप्लाई, जितने भी सर्विस चार्जेस हैं बैंक की तरफ से वो भी एप्लीकेबल होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन वो भी अप्लाई होंगी। अब हम जरा इसके प्रॉफिट रेट्स देख लेते हैं कि आपको जो है वो बैंक अल्फला जो है वो इसमें कितने प्रॉफिट रेट दे रहा है आपको मंथला, यानी कि अल्फला बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट है। ये बेसिकली मैंने जो फॉर्म ओपन किया है इसका पीडीएफ ओपन किया है, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस पे आ जाइएगा। इस पे अगर हम यहाँ पे आए तो पीकेआर सेविंग सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो अल्फला बैंक का सेविंग्स अकाउंट जो है वो कहीं यहाँ पे कहीं जो है वो आ रहा होगा आपके सामने। ये देखें अल्फा सेविंग्स अकाउंट जो है यहाँ पे, यानी कि ये जो बेसिकली पीडीएफ है ये अल्फला बैंक जितने भी प्रॉफिट रेट दे रहा है ये उनका जो है ना ओवरऑल जो है ना उन्होंने एक ही शीट के अंदर जो है वो मर्ज किया हुआ है, और यहाँ से जो है वो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि अल्फला बैंक जो है वो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर कितना दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो
अल्फा सेविंग्स अकाउंट, यहाँ पे ये मुझे मिल गया कि डिजिटल सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको जो, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 0 से 10 हजार है, यानी कि अगर आपकी सेविंग जो है वो 0 से 10 हजार है, तो आपको 13.50% मिल रहा होगा, यानी कि प्रॉफिट का रेट मार्जिन होगा। और आपका जो अगर इन्वेस्टमेंट है या सेविंग है वो 10 हजार से 50 हजार के दरमियान है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 13.55 से होगा। आप इसे डिटेल में बाद में भी पढ़ लीजिएगा, मैं इसका लिंक जो है वो अटैच कर दूंगा। और भी जितने भी अल्फा बैंक के जितने भी सेविंग्स अकाउंट है उनके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा होता है, आप वो भी यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने इसको अप्लाई करना है, आप यहाँ पे जो है वो अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी डिटेल पुट करें और सबमिट करें। आपको, आपसे जो है वो अल्फा बैंक का नुमाइंदा जो है वो रीच आउट करेगा आपको, और आपसे जो है वो डिटेल लेके आप उसे अपना ऑनलाइन अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है ना, अगर आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप डेफिनेटली ब्रांच भी विजिट कर सकते हैं कि किसी भी अल्फा बैंक की, और वहां जाके भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मैंने आपको बताया कि 15.55% जो है वो आपको, यानी कि 15.55% तक जो है वो आपको प्रॉफिट मिल सकता है ऑन डिफरेंट कंडीशंस, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपकी सेविंग्स के ऊपर। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।